क्रिकेट के लिए जुनून से भरे हिंदुस्तान में मंगलवार सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया और यह खबर फुटबॉल की दुनिया से जुड़ी थी। दुनिया में फुटबॉल की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल संस्था को सस्पेंड कर दिया है। यानी ये ऐसा ही है जैसे कि क्रिकेट में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी द्वारा बीसीसीआई को सस्पेंड कर दिया जाए। इस सस्पेंशन की वजह से भारत में इसी साल होने वाली अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी भी छीन ली गई है। यहाँ आपको बताते चलें कि जब तक ये सस्पेंशन रहेगा तब तक वर्ल्ड कप भारत में नहीं हो सकेगा। साथ ही भारत की टीमें अभी किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, चाहे वो फ्रेंडली मैच ही क्यों ना हो। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि इस्टवाल और आज तक डिजिटल में आपका स्वागत है। हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में चल रहे घमासान की वजह से हुआ है। फीफा द्वारा AIFF पर सस्पेंशन क्यों लगाया गया है, इसके मायने क्या हैं और भविष्य में क्या असर हो सकता है, चलिए ये सब आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि फीफा ने ऐसा क्यों कहा है। फीफा फुटबॉल खेल की दुनिया में सबसे बड़ी संस्था है। दुनिया भर में होने वाले इंटरनेशनल और डोमेस्टिक समेत अन्य सभी तरह के फुटबॉल मैच फीफा से ही जुड़े हैं। फीफा ने मंगलवार सुबह एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें ये कहा गया कि फीफा कमेटी ने भारत की फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि AIFF को सस्पेंड कर दिया है। इसी के साथ भारत से अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी भी छीन ली गई है। अब इसमें ये समझना जरूरी हो जाता है कि फीफा ने आखिर ऐसा क्यों किया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भारत में फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है जो नेशनल, लोकल और क्लब फुटबॉल मैच समेत बाकी सभी चीजों को मैनेज करती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारत में क्रिकेट से जुड़े सभी अधिकार बीसीसीआई के पास है। AIFF में लंबे वक्त से विवाद चल रहा है जो प्रशासन को लेकर है। AIFF के अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल है। प्रफुल पटेल 2009 से ही इस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, यानी वो चार साल के तीन कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। यहाँ पर ही सारा विवाद शुरू हुआ है क्योंकि फीफा चाहता है कि AIFF में चुनाव हो, नए तरीके से एसोसिएशन का गठन हो ताकि फीफा और AIFF के संविधान के तहत चीजों को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। एक तरफ फीफा की ओर से AIFF पर दबाव बना हुआ है जबकि दूसरी ओर भारत की सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़ा एक मामला चल रहा है जिसमें कोर्ट ने भी AIFF को जल्द से जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया था। सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा था कि वो नहीं चाहते कि फुटबॉल वर्ल्ड कप भारत से बाहर जाए। अब फीफा के सस्पेंशन का मतलब है कि जब तक ये सस्पेंशन है तब तक भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम, भारतीय महिला फुटबॉल टीम किसी भी इंटरनेशनल मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा भारत के जितने भी फुटबॉल क्लब हैं जो अलग अलग देशों में हो रही लीग के साथ खेलते हैं वहां पर भी कोई मैच नहीं खेल पाएंगे, या भारतीय फुटबॉलर जो किसी और लीग के साथ खेलते हैं वो भी कोई मैच नहीं खेल सकेंगे। उम्मीद यही की जा रही है कि ये पूरा पचड़ा जल्द ही सुलझ जाएगा और मेजबानी वापस भारत आ पाएगी। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।